उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां एक महिला ने चोर की पिटाई कर दी। मामला मुरादाबाद के मुगलपुरा थाना क्षेत्र के कानून गोयान इलाके का है। यहां की रहने वाली महिला कुसुम के घर के बाहर सीएनजी ऑटो पार्क था। आरोप है कि एक व्यक्ति ऑटो रिक्शा में लगी बैटरी खोलकर उसे ले जा रहा था। आवाज होने पर पड़ोसी अंशुल ने उसे देखकर पकड़ लिया और शोर मचाने लगी। इस दौरान वे अकेली ही उस चोर से भिड़ गई और जमकर पिटाई कर दी। अब इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वही महिला की आवाज सुनकर अन्य लोग भी आ गए और उन्होंने भी चोर की जमकर पिटाई कर दी। ऑटो मालिक परिवार की महिला सदस्य ने भी चोर की फाइबर स्टिक से जमकर पिटाई की। चोरी के आरोप में पकड़ा गया युवक काफी देर तक गिड़गिड़ाता रहा। उसका कहना था कि वे अपनी बेल्ट बांध रहा था, चोरी नहीं कर रहा था। हालांकि किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। इस दौरान लोग उसे पीटते रहे। इसी दौरान किसी ने पुलिस को सूचना दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया। चश्मदीद अंशुल ने बताया कि पूर्व में भी इसी ऑटो से बैटरी चोरी हो चुकी थी। आज भी ये पकड़ा गया। युवक बैटरी चोरी करके ले जा रहा था, जिसे उसने दौड़कर पकड़ लिया। मैं अंदर बैठा हुआ था तो ये लड़का टू यहाँ पर टेम्पो के अंदर बैठा हुआ था और खट की आवाज आई। मैंने तो एकदम अंदर बाहर गया तो ये बैटरी लेके भाग रहा था। जैसे मैंने इसे पकड़ा तो ये सिर के बाद एकदम नीचे गिरा, इसके चोट लगे। अभी वो लोगों ने भी बहुत मारा था, मैंने भी बहुत मारा इसे। अभी तो ये बैट लगा के मारा, कह रहा भैया सर मैं वो बैट लगा रहा हूँ, बैल्ट टूट गई, बैल्ट टूट गई। इतनी जगह बाहर जगह छोड़ के और ये बैल्ट यहाँ पर बैल्ट तोड़ के अपनी बैल्ट तोड़ के और बार बार जान मुझको ये देख के लगा रहा था। ये बहुत सही। और ये पूरी गाड़ी, अभी एक बार चोरी और हुई थी गाड़ी की, तो भी शायद इसी ने करी हो, वो मुझे नहीं पता। पर एक और फिर ये भी बैटरी चुरा के लेके भाग रहा था, याद से भाग चुका था, वहां से लेके आया।